पेट्रोल पंप में फायरिंग करने वाले फरार अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमन सिंह गैंग से गिरफ्तार अभियुक्त का संबंध, डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिटी फ्यूल पेट्रोल पंप में साल 2020 में रंगदारी की नियत तथा दहशत फैलाने की नियत से फायरिंग करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से दो मोबाइल तथा एक बाइक बरामद किया गया है। मामले को लेकर मुख्यालय डीएसपी अमर कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता कर डीएसपी ने बताया कि सिटी फ्यूल पेट्रोल पंप में साल 2020 में फायरिंग की घटना हुई। फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त कुंदन मेधा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। डीएसपी ने बताया कि फायरिंग की घटना रंगदारी के उद्देश्य से किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त का संबंध अमन सिंह गैंग से भी है। इस कांड में पहले ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एक हथियार भी उस समय बरामद किया गया था। अनुसंधान के क्रम में कुंदन का नाम सामने आया है। प्रत्यक्ष रूप से फायरिंग की घटना में इसकी संलिप्ति है। पूर्व में डकैती कांड में कुंदन जेल जा चुका है। मैथन ओपी अंतर्गत काली माटी का यह रहने वाला है। अन्य जो भी फायरिंग घटना में शामिल होंगे सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। पेट्रोल पंप मालिक के द्वारा फायरिंग घटना की लिखित शिकायत गोविंदपुर थाना में दर्ज करवाई गई है। इस आलोक में जांच चल रही है। अब तक 6 अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कांड में अन्य जो भी शामिल होंगे सभी की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। गोविंदपुर थाना अंतर्गत सिटी फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर अमन सिंह के गिरोह के द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई थी, जिसमें कि रंगदारी के लिए गोली चलाने की घटना हुई थी। इस संबंध में पेट्रोल पंप के मालिक के लिखित आवेदन के आधार पर गोविंदपुर थाना कांड संख्या 372-20 दर्ज किया गया और अनुसंधान के क्रम में इसमें पूर्व में भी 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और पूर्व के अनुसंधान में हथियार की भी बरामदगी हुई है। आज इस अनुसंधान के क्रम में कुंदन मिर्धा नामक अपराधी को, जो कि काली माटी मैथन ओपी अंतर्गत रहने वाले हैं, उनको आज गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कांड में इनकी प्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता थी और ये अमन सिंह गिरोह के लिए काम करते हैं और इनके पास से दो मोबाइल फ़ोन, एक ब्लैक कलर की अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई है और इनके द्वारा जो भी पूछताछ में बताया गया है उसका वेरिफिकेशन करके हम लोग अनुसंधान में अधिकतर कार्रवाई करेंगे और इसमें शामिल जो भी अन्य अपराधकर्मी हैं उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध सघन छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है और जल्द ही ये सभी सलाखों के पीछे होंगे। इनका आपराधिक इतिहास रहा है और निरसा थाना अंतर्गत एक डकैती के कांड में ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और यह घटना इनके द्वारा की गई दूसरी घटना थी जिसमें इनकी प्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता पाई गई है और इसी क्रम में आज इन्हें जो है हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।